स्मृति बोली, कांग्रेसी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। सुन लो 22 जनवरी, जगह राम मंदिर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में अपने भाषणों में सनातन, अयोध्या और राम सेतु जैसे भावनात्मक मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बुधवार को अपनी चुनावी सभाओं में इन तीनों मुद्दों को उठाया। जबलपुर में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए धैर्य का परिचय दिया, पर कांग्रेस के पास सत्ता आई तो गांधी परिवार ने कोर्ट में पिटीशन लगाई कि राम सेतु तो है ही नहीं, मतलब भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। और भगवान राम का चमत्कार देखो, जिसने कोर्ट में उनके अस्तित्व को नकारा, आज वही परिवार मंदिर मंदिर घूम रहा है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा, उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के बड़ा पत्थर में बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहानी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि ऐसे लोगों को आगामी 17 तारीख को अपने वोट की ताकत से सबक सिखाना है। ईरानी ने कहा कि कांग्रेसी बीजेपी के लोगों का उपहास उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, अब तो हमने भगवान रामलला का मंदिर भी बनवा लिया है और 22 जनवरी की तारीख भी बता दी, जिस दिन 500 से अधिक वर्षों से मंदिर के बाहर रहे हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। यह पुण्य कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इंडिया यानी INDIA गठबंधन के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, ना उसको मैं बोल सकती हूँ ना आप सुन सकते हैं। उनके बयान पर कांग्रेस के नेताओं को सांप सूंघ गया है, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के नेता महिलाओं को मार कहते हैं। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।